First, I would like to introduce Mr. Ram Dagrani. Mr. Ram पिछले 15 सालों से artificial और imitation jewellery में deal कर रहे हैं. इन्होंने बिल्कुल grassroots level से start किया है. He is the one and only. आज इनके पास 25 plus staff है, काफी बड़ा warehouse है और अभी ये पूरे international market में और Indian market में बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं और बहुत बल्क में इनके पास प्रोडक्ट्स भी हैं. इंडिया में जितनी भी तरीके की ज्वेलरी होती हैं वो सारी ज्वेलरीज ये सेल भी करते हैं, आउटसोर्स भी करते हैं और काफ़ी सारे जो ज्वेलरी के डिज़ाइंस हैं वो ये खुद मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं यहाँ पे. तो मैं आज मिस्टर डगरानी से स्पेशली बात करना चाहूँगा कि जो वुमेन्स हैं जो घर से अपने खाली टाइम में बिजनेस स्टार्ट करके और अपनी फैमिली में कुछ फाइनेंशियली इनपुट भी देना चाहती हैं और अपने टाइम को कहीं ना कहीं क्रिएटिवली यूज़ करना चाहती हैं, तो वो कैसे बिजनेस करके अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को और अपनी सोसाइटी को सपोर्ट कर सकते हैं, इस बारे में आज हम मिस्टर डगरानी से बात करेंगे. मिस्टर डगरानी, हाउ कुड अ वुमन और हाउस वुमन स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम होम? आपके हिसाब से कैसे एक औरत, एक लेडी घर से अपना थोड़े से टाइम में अपना काम स्टार्ट करके और पैसा कमा सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर विक्रम फॉर मेकिंग दिस वीडियो एंड गिविंग माय इंट्रोडक्शन ऑन यूट्यूब. एंड हम जो आज डिस्कशन करने वाले हैं, बेसिकली हम लोग ज्वेलरी जो लेडीज़ हैं वो लोग कैसे काम करती हैं उसी के बारे में हम बताएंगे कि किस तरीके से हम उसको स्मॉल लेवल से आगे ले जा करके कुछ अर्निंग बना सकते हैं. एग्जैक्टली. तो वेन एवर वी और एनीबडी थिंक्स ऑफ अ न्यू बिजनेस, द थ्री थिंग्स कम इन टू आवर माइंड. ओके. क्या करना है, क्या बेचना है और कैसे बेचना है. ओके. टुडे इफ यू सी दैट एवरी टॉम डिक एंड हैरी इज सेलिंग समथिंग, सो हाउ आर प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम दैम, हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम दैम, हमारी क्या स्पेशलिटी, क्या यूनिकनेस है. सो वी हैव टू फाइंड समथिंग यूनिक विच हैज़ वेरी हाई डिमांड बट विच हैज़ वेरी लो कॉम्पिटिशन इन द मार्केट. सो बाय दिस वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द मार्केट स्ट्रेटेजी, मेक द मार्केट स्ट्रेटेजी एंड लॉन्च दिस टू दिस ऑनलाइन मार्केट. इट वुड बी ग्रेट इफ यू कैन टेल अस हाउ कैन वी सोर्स अ प्रोडक्ट ईजीली. एक एक लेडी घर से कैसे प्रोडक्ट को सोर्स कर सकती है सेल करने के लिए? देखिए, प्रोडक्ट सोर्स करने के लिए सबसे पहले हमें प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेनी होगी. हम क्या प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं. हम मेन ज्वेलरी बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो मैं आपको ज्वेलरी के बारे में बता सकता हूँ कि ज्वेलरी को अगर आपको सोर्स करना है तो सबसे पहले आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज लेनी होगी कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, बिक कितने में रहा है, परचेज हम कितने में करें, क्या मटेरियल है उसका, क्या मेटल है, क्या साइजेस आ रहे हैं, कौन कौन से कलर्स में आ रहा है, वो मार्केट में ट्रेंडी कलर्स कौन से हैं. तो आपको एक वॉच रखनी होगी कि सीरियल्स में भी हम देखते हैं कि लेडीज़ बहुत अच्छे अच्छे ज्वेलरी पहन के आ रही है. तो मेन तो जो हमारा एक ट्रेंड चलता है वो सीरियल्स और मूवीज़ से चलता है. तो मूवीज़ के अकॉर्डिंग ही हमें डिसाइड करना होगा कि मार्केट में किस तरीके से चल रहा है और हमें उसके लिए एक क्रिएटिविटी थोड़ी एक रखनी पड़ेगी जो कि हर लेडीज़ के अंदर होती ही है ज्वेलरी के प्रति स्पेशली, कि वो क्या नया मार्केट में चल रहा है वो अपने आप ही उनकी नज़र एक दूसरे को देख करके या सीरियल्स में मूवीज़ में देख करके उनके अपने आप ही एक चाह आ जाती है कि भाई ये चीज़ मुझे चाहिए. तो ऑब्वियसली बात है कि जब मुझे चाहिए तो ऑब्वियस दूसरों को भी वो पसंद आएगी. तो हमें अच्छे से एक मार्केट की स्टडी करके कि मार्केट में लोग क्या पसंद कर रहे हैं, क्या चल रहा है, मूवीज़ में क्या आ रहा है, सीरियल्स में क्या आ रहा है, लेडीज़ और लोग हम फंक्शन में जाते हैं वहाँ पर क्या पहन रहे हैं, वो एक कंपैरेटिव स्टडी करके फिर हम लोग उस चीज़ को सोर्स कर सकते हैं. एक अच्छा होलसेलर ढूंढें जिसके पास आपके पास वैरायटी दिखाने के लिए वैरायटी हो, नए प्रोडक्ट्स हो, या फिर आपके अंदर खुद क्रिएटिविटी है तो आप रॉ मटेरियल भी सोर्स करके और उनको अपने हिसाब से बना करके कस्टमाइज करके और कस्टमर्स को प्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये सब आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप कितना अलर्ट रह करके मार्केट में इन सब चीज़ों को देखते हैं और उसको रिप्रेजेंट आगे प्रेजेंट करते हैं बेचने के लिए. जैसा कि मिस्टर डगरानी ने हमें बताया तो इसका एक ओवरऑल कंक्लूजन सर ने हमें दिया कि
हमें ये देखना चाहिए कि इनिशियली जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमें किसी ज्वेलरी के अच्छे मैन्युफैक्चरर या होलसेलर को अप्रोच करना चाहिए, और देन अगर आप में भी बहुत सारी क्रिएटिविटी है तो आप उसको अच्छे से अपनी क्रिएटिविटी को रॉ मटेरियल को असेंबल करके और आप खुद अपनी भी ज्वेलरी या अपना खुद का एक क्रिएशन भी ला सकते हैं। सर नाउ टेल मी, व्हाट इज द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन फॉर अ बिगनर टू सोर्स अ यूनिक प्रोडक्ट? क्योंकि अगर बिगनर ही है तो फिर यूनिक प्रोडक्ट कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जब तक वो माल बेचेंगे नहीं तब तक उनको पता नहीं चलेगा। हम इसमें ये चीज़ कर सकते हैं कि हमने मार्केट रिसर्च किया, हमें पता चला कि क्या मार्केट में ट्रेंड में है, क्या अच्छा सा बिक रहा है, क्या कम बिक रहा है, किस पे कितने मार्जिन आ रहे हैं, वो हमें कंपैरेटिव स्टडी से पता चलेगा पहले तो कि मार्केट में क्या बिक रहा है, किस रेट में आ रहा है, हम उसको ऑनलाइन कितने में बेच सकते हैं, हम कितना प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा है कम है डिपेंडिंग ऑन द डिज़ाइन। जब भी कोई नया डिज़ाइन होता है तो उस पर हमें अच्छे मार्जिन मिलते हैं, जब डिज़ाइन पुराना कॉमन हो जाता है इट्स अवेलेबल टू एवरीबडी तो उनके प्राइजेस भी कम हो जाते हैं, प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो जाता है। लेकिन हमें इसमें इससे ये चीज़ पता चलती है कि नया डिज़ाइन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि वो हिट भी हो सकता है कि वो ना चले। तो अगर हम यूनिकनेस की तरफ जाएंगे तो थोड़ा सा एक रिस्क रहेगी कि हो सकता है वो डेड स्टॉक चला जाए, हो सकता है वो अच्छा बिक जाए। लेकिन एक एस्टेब्लिश प्रोडक्ट है जिसके अंदर मार्जिन ठीक है कम है बट यू नो दैट इट इज़ सेलिंग इन द मार्केट एट अ वेरी गुड स्पीड, आप उसको किसी होलसेलर के पास जा करके उनको सोर्स करें कुछ लिमिटेड क्वान्टिटी में एंड देन यू लिस्ट इट ऑन द इंटरनेट ऑन द ऑनलाइन पोर्टल्स प्लेटफॉर्म्स सो दैट वहाँ पे कम चांस होगा कि आपका डेड स्टॉक रहे बिकॉज इट इज सेलिंग गुड, कस्टमर्स आर इंटरेस्टेड इन दोज प्रोडक्ट्स, तो उसकी श्योरिटी ज़्यादा होती है बजाय कि यूनिक प्रोडक्ट के। यूनिक प्रोडक्ट के मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि सारे ही फ्लॉप जाते हैं, यूनिक प्रोडक्ट्स से ही हमारे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स निकलते हैं, तो ये एक रिस्क की चीज़ है यूनिक में अगर आप जाएंगे तो कि हम कितनी रिस्क उठाना चाहते हैं कि डेड स्टॉक अगर हो जाए तो हम उसको झेलने के लिए तैयार हैं इनिशियल स्टेज पे। तो ये एक फंडा रहेगा कि आपको डिसाइड करना होगा कि आप कितना रिस्क उठा सकते हैं, आप कितना यूनिक प्रोडक्ट ले सकते हैं या कितना कॉमन प्रोडक्ट आप परचेज करके और उसको सेल के लिए लगा सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से सोर्सिंग के पॉइंट्स आपको खुद कंसीडर करना होगा कि हम कैसा चाहते हैं। जैसा कि मिस्टर डगरानी ने बताया, इन शॉर्ट हमें ये समझना चाहिए सबसे पहले कि अगर हमारी कैपेसिटी है तो हम थोड़ा क्वांटिटी का परचेज करें, अदरवाइज़ हम एक अच्छा होलसेलर और मैन्युफैक्चरर देखकर और जो रेगुलर सेलिंग प्रोडक्ट हैं जो इजीली बिक जाते हैं उन्हीं पे टू स्टार्ट विथ हमें सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट पे कंसंट्रेट करना चाहिए ताकि अपनी जो डेड स्टॉक या इस तरीके की प्रॉब्लम है वो स्टार्टिंग में ही आपको ना फेस करनी पड़े और ग्रेजुअली आप अपने एक्सपीरियंस के साथ सब कुछ सीखें। सर व्हाट शुड बी द सक्सेस मंत्रा अकॉर्डिंग टू यू? ज्वेलरी बिजनेस के सक्सेस के लिए सिर्फ एक ही चीज़ काम करती है एंड दैट इज पैशन फॉर ज्वेलरी फॉर द न्यू डिज़ाइन। आप कितने अलर्ट हैं मार्केट में क्या चल रहा है उस हिसाब से आप क्रिएटिव कितने क्रिएटिव हैं कि उसमें आप कुछ चेंज करके कस्टमर्स को क्या प्रेजेंट करते हैं। आपको गोल अपना पता होना चाहिए कि मैं कस्टमर्स को कुछ डिफरेंट देना चाहता हूँ, मैं कुछ डिफरेंट दे रहा हूँ एट वेरी रीजनेबल प्राइस जो मार्केट में उसको कहीं भी नहीं मिल रहा है, बहुत कम जगह पर मिल रहा है। सक्सेस का एक ही फंडा है फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ ज्वेलरी प्रोडक्ट जो होता है कि आप यूनिक कितना कस्टमर को दे पाते हैं। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करेंगे स्टार्ट करेंगे आप कॉमन प्रोडक्ट्स से धीरे धीरे जितना आप यूनिकनेस पर जाएंगे उतने प्रॉफिट मार्जिन आपके बढ़ेंगे, उतनी आपकी सेल बढ़ेगी। क्वालिटी ऑफ कोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान देनी है क्योंकि अगर कस्टमर को क्वालिटी अच्छी नहीं मिली देन ही विल डेफिनेटली डज नॉट कम टू यू अगेन। तो कुछ एक चीज़ें हैं कि यूनिकनेस होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए एंड ऑफकोर्स सर्विस होनी चाहिए। ऑनलाइन बिजनेस में अगर आप कर रहे हो तो सर्विस आप नहीं दे रहे हैं तो वो चीज़ भी आपको पीछे ले जाएगी, नेगेटिव फीडबैक देगी आपको। तो हमें एक तो यूनिकनेस देखनी है कि हम कितना यूनिक प्रोडक्ट दे रहे हैं, कितने अच्छी सर्विस दे रहे हैं और क्वालिटी कैसी दे रहे हैं हम लोग। तो इन तीन चीज़ों को हमें दिमाग में रखते हुए ही कस्टमर्स को हमें सर्विस देनी है और हमें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। सर हाउ पीपल आर रिएक्टिंग टूवर्ड्स ज्वेलरी प्रोडक्ट्स? ज्वेलरी इज रिलेटेड टू फैशन इंडस्ट्री एंड फैशन इंडस्ट्री नेवर गेट्स ओल्ड। फैशन इंडस्ट्री का जो मेन फंडा है कि हर इंडिविजुअल चाहता है कि मैं यूनिक दिखूं, मैं अलग दिखूं, मैं भीड़ से अलग हटके दिखूं। और फैशन यही काम करता है कि जो चीज़ कॉमन हो चुकी है उसमें नयापन कैसे लाया जाए। हम लोग नए नए वैरायटीज, नए नए प्रोडक्ट्स, यूनिक प्रोडक्ट्स जितना हम प्रेजेंट करते जाएंगे उतना ही हमारी इंडस्ट्री ग्रो करती है। तो
ज्वेलरी इंडस्ट्री भी जब तक लेडीज हैं औरतें हैं तब तक ग्रो करेगी। हम देखते हैं कि एंशियंट टाइम्स में स्टोन एज के अंदर भी कुछ पेंटिंग्स हमने देखी हैं जिसके अंदर औरतों की पेंटिंग है जिसके अंदर उन्होंने कुछ ना कुछ ज्वेलरी पहन रखी है, चाहे वो हॉर्न से रिलेटेड हों चाहे स्टोन की रिलेटेड हों, कुछ इस टाइप की ज्वेलरी जो शुरू से चलती हुई आ रही है। तो विद द टाइमिंग चेंजेस आते गए उसके अंदर और आज जो हम गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी देखते हैं और वही ज्वेलरी हम लोग आर्टिफिशियल में भी रेप्लिका उसकी लेकर के आए हैं, जो आपके अनुष्का शर्मा और दीपिका पादुकोण ने अपनी मैरिजेस में पहनी है उन्हीं की रेप्लिका हम लोग अवेलेबल भी करवाते हैं। तो इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस एवर ग्रीन इंडस्ट्री, तो ऐसा नहीं है कभी आपका ज्वेलरी का बिजनेस कभी भी फ्लॉप होगा। डिजाइंस में गेट चेंज, ट्रेंड चेंज हो सकते हैं लेकिन बिजनेस कभी भी ये खत्म नहीं होगा, ये बिजनेस जब तक लेडीज है। आजकल तो हम देख रहे हैं कि मेंस ज्वेलरी भी बहुत पॉपुलर हो रही है, माचो ज्वेलरी टाइप की जिसमें हैंड ब्रेसलेट्स आ रहे हैं, कुछ पेंडेंट्स आ रहे हैं, रिंग्स आ रही हैं, इयर रिंग्स टाइप आ रहे हैं, कफलिंग्स आ रहे हैं। तो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, दिस इंडस्ट्री इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग, इसका कोई स्टॉप नहीं है। आप जितना यूनिक लाएंगे जितनी नई चीज लाएंगे यू विल ग्रो, एंडलेस अपॉर्चुनिटीज हैं, एक के बाद आप छोटी छोटी क्रिएटिविटी पुट ऑन करके और एंडलेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो। आप क्या दे रहे हैं कस्टमर को, एग्जैक्टली उसी के पीछे ही इंडस्ट्री चल रही है। सर व्हाट आर द एडवांटेज डू यू हैव एज एन ऑनलाइन ज्वेलरी सेलर फ्रॉम होम? देयर आर लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस इन व्हिच आई विल मेंशन द फ्यू, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल द वाइडर रीच। इफ यू आर प्रोवाइडिंग अ क्वालिटी प्रोडक्ट वेरी रीजनेबल प्राइसेस देन योर रीच विल बी अनलिमिटेड, क्योंकि आप अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं एक अच्छे रेट पे दे रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट की जो क्या कहते हैं उसे वायरल होने में देर नहीं लगेगी। okay. और जो चीज़ एक बार वायरल हो गई तो फिर सभी उसकी तरफ देखते हैं कि भाई ये कहाँ से मिल रहा है, और जब हम किस चीज़ को देखने जाएंगे कि भाई ये कहाँ से मिल रहा है तो पीपल स्टार्ट डूइंग गूगल यू एंड देन फाइंड यू ऑन द इंटरनेट एंड देन दे विल कम टू यू एंड बाय फ्रॉम यू। सो देयर इज चांसेस ऑफ वाइडर रीच फॉर योर प्रोडक्ट्स। सेकेंडली इफ आई टॉक अबाउट द एडवांटेज देन इट विल बी अ क्रेडिबिलिटी। ठीक है, अगर आप अच्छे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं रीजनेबल प्राइसेस पे बेच रहे हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी बन रही है, और जब आपकी क्रेडिबिलिटी बन रही है तो कस्टमर्स आपको अच्छे रिव्यूज देने लगेंगे। वो रिव्यूज ही आपकी क्रेडिबिलिटी है और वो आपके दूसरे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे और आपकी सेल बढ़ती है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटरनेट मार्केट कि आपके जितने अच्छे रिव्यूज होंगे उतने ही अच्छे आपके प्रोडक्ट्स सेल होंगे। इट्स काइंड ऑफ माउथ पब्लिसिटी और आई एम थैंकफुल टू द गूगल फॉर प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ सर्विस टू द वेंडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसके थ्रू हम लोग अगर जो बंदा एक जेन्युइन है ऑनेस्टली काम कर रहा है तो ही गेट्स द गुड रिव्यूज एंड ही विल डेफिनेटली गेट वेरी गुड सेल्स। ओके, एंड थर्ड थिंग मैं ये कहूँगा कि रिस्क बहुत कम है, छोटे लेवल से हम काम स्टार्ट कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू हैव अ बिग शोरूम एंड बल्क ऑफ प्रोडक्ट्स लाइन विद यू, यू जस्ट हैव टू डू अ टाई अप विद सम होलसेलर और अ मैन्युफैक्चरर जो आपको माल दें और आप उससे माल लेकर के आप ऑनलाइन लगाइए उसको बेचिए, और जब वो माल ख़त्म हो जाए तो आप दूसरा माल लेकर के आइए। तो आपको ऐसा नहीं है कि स्टॉक करने की ज़रूरत है, आप छोटा छोटे बल्क छोटे छोटे बैचेज में आप माल ला करके और उसको लिस्ट कर सकते हैं और प्रॉफिट्स कमा सकते हैं और उसका एक्सपेरिमेंट्स करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, कोई इसका कोई इशू नहीं है। एंड फोर्थ थिंग इज द एक्सपोजर, जो एक्सपोजर आपको ऑनलाइन सेलिंग देगी ऑनलाइन मार्केट देगा वो आपको एक्सपोजर कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इफ यू आर हैविंग अ शॉप रिटेल शॉप रिटेल स्टोर इन द मार्केट यू विल बी लिमिटेड टू अ लिमिटेड लोकेलिटी और मैक्सिमम टू द सिटी, बट दिस ऑनलाइन मार्केटिंग विल गिव यू एक्सपोजर टू द वर्ल्ड टू योर द होल कंट्री। यू कैन एक्सपोर्ट योर प्रोडक्ट्स आउट ऑफ इंडिया आउट ऑफ योर कंट्री एंड टू वेरियस सिटीज इन इटसेल्फ इन इंडिया, सो देयर इज अ लॉट मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपोजर इन इंटरनेट मार्केटिंग। ओके सर, इट मीन्स इन शॉर्ट कि आप ये कहना चाहते हैं कि हमें कम से कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत है किसी फिजिकल लोकेशन की, या एक पर्टिकुलर रूटीन टाइमिंग की जरूरत नहीं है, हम हमारे फ्री टाइम में घर पे बैठ के एक छोटे से बजट के साथ भी काम शुरू कर सकते हैं। डेफिनेटली। ओके गुड सर, ग्रेट। नाउ सर टेल मी हाउ एंड वेयर अ सेलर कैन सेल विदाउट अ सेटअप। या दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। हमने प्रोडक्ट को ले लिया, सेलेक्ट कर लिया, सारी
मार्केट का एनालाइज ही कर लिया, लेकिन हम बेचें कहाँ? यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ईबे, इट्सी, जो आप जिन पे माल लिस्ट करते हैं, जब माल दिखता है तो ज्यादा सम कमीशन एंड देन यू डिस्पैच द प्रोडक्ट्स टू योर कस्टमर। ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम अदर प्लेटफॉर्म्स, फ्री प्लेटफॉर्म्स लाइक एवरीबडी नोज अबाउट इट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एवरीबडी इज फैमिलियर विद दीज प्लेटफॉर्म्स। आप आराम से इस पर, आपको कोई टर्म्स एंड कंडीशन की नहीं होती कि हमें वाइट बैकग्राउंड चाहिए, जैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़न मानते हैं कि उन्हें वाइट बैकग्राउंड में ही चाहिए प्रोडक्ट, तो यू हैव टू इन्वेस्ट इन फोटोग्राफी। बट इफ यू गो विद व्हाट्सएप एंड फेसबुक, यू डोंट नीड वाइट बैकग्राउंड, यू जस्ट क्लिक विद योर स्मार्टफोन। देर आर वेरी गुड क्वालिटी कैमराज इन दीज स्मार्टफोन दीज डेज, जिससे पिक्चर क्वालिटी इवन प्रोफेशनल फोटोग्राफर से ज़्यादा बेटर अच्छी आती है। ओके, तो हम सीधे ही क्लिक करके ओरिजिनल पिक्चर को अपने कस्टमर को शो कर सकते हैं, इन प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट कर सकते हैं, और इसके थ्रू हम लोग ऑनलाइन सेल स्टार्ट कर सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं इस चीज़ में आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि स्पैमिंग से बचे। स्पैमिंग क्या होती है कि हम बम्बार्डमेंट करना शुरू कर देते हैं कि नए नए होते हैं, जोश ज़्यादा होता है कि हमारा ही प्रोडक्ट दिखेगा, हर किसी कस्टमर को हम जबरदस्ती भेजे जा रहे हैं, फेसबुक के ग्रुप में डाल रहे हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल रहे हैं। ये चीज़ हमें नहीं करनी है, लिमिटेड काम करना है, डेली का हमें फिक्स करना है कि 10 से 20 प्रोडक्ट्स हमें डालने हैं विद सम इंटरवल ऑफ टाइम। आप इकट्ठा डालेंगे वो आपको ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि कोई भी कंपनी, अच्छी कंपनी है, फेसबुक हो, गूगल हो, व्हाट्सएप हो, नोबडी अलाउड यू स्पैमिंग। तो स्पैमिंग का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। आप स्लो एंड स्टडी करिए, अच्छा काम करिए, धीरे धीरे वो आपको रिजल्ट देगा, आपकी फ्रूटफुल होगा एंड यू विल बी वेरी गुड एस्टेब्लिश within few time in this internet market। यानि कि सर हमें स्टार्टिंग में बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जिनका टर्म्स एंड कंडीशन होता है, जैसे कि उनको ट्रेडमार्क भी चाहिए या डॉक्यूमेंटेशन, GST, ये सारी फॉर्मेलिटीज चाहिए, तो वहाँ पे शुरू नहीं करके हमें व्हाट्सएप और फेसबुक और वो प्लेटफॉर्म्स जिनसे हम ऑलरेडी फ्रेंडली हैं और जिन पे ऑलरेडी काम करते हैं वहीं से शुरू। ये इजी है और इस पे हम लोग एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हमें कस्टमर्स के फीडबैक मिलने शुरू होंगे कि हमारा प्रोडक्ट कस्टमर को कैसा लग रहा है। तो एक स्टार्टिंग के लिए एक हर्डल जितना कम हो सके, हम जितनी कॉस्ट अपनी कम रख सकें और इजी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे लिए रहेगा, तो हम इसी से शुरू करें तो वो बेटर रहेगा। वुड यू प्लीज गिव अस सम टिप्स टू डिसाइड सेलिंग प्राइस एंड मार्जिन्स? या ऑफ कोर्स, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेलिंग, कि प्राइस क्या रख रहे हैं आप। कई बार हम लोग जोश में आ जाते हैं कि यार ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन में कुछ भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, प्राइसिंग बहुत सेंसिबली आपको रखनी पड़ेगी, आपको अच्छे से मार्केट एनालाइज करना पड़ेगा कि और सेलर्स किस रेट पे वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं। आपको अपनी कॉस्ट एनालाइज करनी है कि मेरे को इसको प्रोक्योर करने में, सोर्स करने में क्या खर्चे मेरे लग रहे हैं, और हमारी पैकिंग और पैकिंग मटेरियल लगता है और शिपिंग चार्जेस लगते हैं। ये सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए हमें प्राइसिंग पे ध्यान देना है, अपने मार्जिन डिसाइड करने हैं। अगर हम ज्वेलरी बिजनेस की बात करें तो ऑलमोस्ट 4 times डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी का हम करें तो 50 to 100 rupees की अगर हमारी सोर्सिंग हो रही है तो वी कैन चार्ज अप टू 4 times, लाइक 400 rupees तक हम उसको माल को बेच सकते हैं। 100 rupees का प्रोडक्ट 400 में हम बेच सकते हैं, जिसमें हमारी सारी कॉस्ट आ जाएगी। नाउ कम टू द शिपिंग पार्ट। शिपिंग पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको कस्टमर को माल भेजना होता है। अब आप भेजेंगे तो उसमें आपके शिपिंग पार्टनर आपसे चार्जेस लेगा, तो आप उसको किस तरह से भेज रहे हैं, उसके क्या चार्जेस लग रहे हैं, वो चार्जेस कौन बियर कर रहा है, आपका कस्टमर बियर कर रहा है या आप बियर कर रहे हैं। अगर आपका कस्टमर बियर कर रहा है, आप उसको बोलते हैं कि नहीं इसके 50 rupees एक्स्ट्रा लगेंगे, सो यू हैव टू टेक केयर कि आपका प्रोडक्ट कॉस्टली नहीं जा रहा है। जो एक रेंज चल रही है, जो लोग और बेच रहे हैं, क्या उसी रेंज में आ रहा है? या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे भी मार्जिन कम रखना है, एस्टैब्लिश मुझे अपने बिजनेस करना है, तो आप फ्री शिपिंग दे सकते हैं, उस कॉस्ट को बियर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बहुत अच्छी शिपिंग कंपनीज आ गई हैं जो बहुत रीजनेबल रेट्स पे आपके प्रोडक्ट को कस्टमर को डिस्पैच करते हैं, और विद वेरी फास्ट सर्विस एंड वेरी लो प्राइसेस, जैसे DTDC हो गया, ब्लू डार्ट हो गया, और यू कैन यूज द पोस्ट ऑफिस ऑल्सो। तो ये चीज़ आपको कंसिडर करनी है। इसके बाद हम बात करें तो हमें कुछ और चीज़ें हैं जो हमें इसमें कंसिडर करनी पड़ेगी। कई बार कस्टमर को पसंद नहीं आया माल, यू वॉन्ट टू रिटर्न द प्रोडक्ट, कुछ टूटा फूटा हो गया, यू हैव टू बी केयरफुल कि आपके कस्टमर किसी भी तरीके से आपसे नाराज़ नहीं होना चाहिए।
क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस ऐसा है कि कस्टमर ने अगर बैड रिव्यू दे दिया आपके प्रोडक्ट पे तो आप शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएंगे। तो आपको हर तरीके से कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, क्योंकि कस्टमर फिजिकली वो प्रोडक्ट नहीं देख रहा है, उसको टच एंड फील नहीं मिल रहा है, ही कैन इमेजिन सी द पिक्चर ओनली। जब उसके पास वो प्रोडक्ट पहुंचता है तो वो उसके कंपेयर करेगा कि मैंने देखा क्या था, मुझे मिला क्या है। इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड यू हैव टू मेंशन द रिटर्न पॉलिसी। अब इसमें आपके शिपिंग चार्जेस कौन बेयर करेगा, क्या कस्टमर बेयर करेगा या फिर आप बेयर करेंगे? ये लॉसेस भी, ये कॉस्ट भी हमें अपने प्रोडक्ट्स में इंक्लूड करके चलनी पड़ेगी कि कितने प्रोडक्ट्स हमारे रिटर्न आ रहे हैं। और हमें इसमें कस्टमर को पहले ही बताना पड़ेगा कि हमारी रिटर्न पॉलिसी क्या है, हम पेमेंट्स कैसे लेंगे, अगर रिटर्न करना पड़ा तो रिफंड हम कैसे करेंगे, हमारे डिलीवरी चैनल्स कौन से हैं, हम किसके थ्रू डिलीवर कर रहे हैं, कितने दिन में हमारा प्रोडक्ट उनके पास पहुँचेगा, और अल्टीमेटली अगर उनको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो हमें उनको फिर फीडबैक रिक्वेस्ट भी हमें देनी चाहिए कि आपको अगर प्रोडक्ट अच्छा लगा तो यू शुड से समथिंग अबाउट आवर प्रोडक्ट, अबाउट आवर कंपनी की, आपको हमारे साथ कैसा एक्सपीरियंस मिला। तो दीज आर द सम बेसिक थिंग्स यू शुड कंसिडर वाइल स्टार्टिंग द न्यू बिजनेस और न्यू स्टार्टअप, वेदर इट इज अ होम बेस्ड और सम अदर बिजनेस, यू हैव टू कंसिडर दीज थिंग्स। सर आपने सारे सवालों का बहुत अच्छे से ही जवाब दिया और बड़ी अपना अच्छा जो एक्सपीरियंस है आपका लास्ट 15 ईयर का उसको बड़े अच्छे से आपने हमसे शेयर किया। हम ये चाहते हैं कि क्या जो हमारे व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देखेंगे, वैसे तो हमें पता है कि आप इंटरनेशनल काम करते हैं, सारा एक्सपोर्ट में ही काम करते हैं, बट क्या हमारे जो इंडियन वुमेन्स हैं या जो बाहर छोटे वुमेन जो घर से सेल करना चाहते हैं, क्या आप उनको छोटी से छोटी क्वांटिटी पे अलग अलग डिफरेंट वैरायटीज़ आप उनको भी मतलब सेल कर सकते हैं, क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हैं सर? बिकॉज एक्चुअली हम लोग तो पहले 10 साल हमने इंटरनेशनल मार्केट में काम किया जहाँ पे बल्क क्वांटिटीज में हमारा माल जाता है, आज भी जा रहा है, बिकॉज अब ऑनलाइन मार्केट काफ़ी एक्सपांड होता जा रहा है। बट वी आर ऑलवेज इन द बल्क क्वांटिटीज, हम पसंद करते हैं कि बल्क क्वांटिटीज रहे, लेकिन क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर छोटे छोटे वेंडर्स हैं जो इतना बल्क में नहीं खरीद सकते, उनके लिए हमने अब एक वेबसाइट स्टार्ट किया है eindiawholesale.com, जहाँ पे इंडिया में कोई भी 2000 रुपये से माल खरीद सकता है, इसमें कोई मिनिमम ऑर्डर क्वान्टिटी का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप एक पीस भी खरीद सकते हैं, लेकिन आपकी मिनिमम ऑर्डर वैल्यू जो है वो 2000 रुपीज़ तक होनी चाहिए। इस पे हम लोग 90 रुपीज़ का शिपिंग चार्ज देते हैं, ऑल ओवर इंडिया में हम लोग कहीं पर भी डिलीवर उसको करवा देते हैं। तो 2000 रुपीज़ आई डोंट थिंक इट्स बिग अमाउंट कि आपको स्टार्ट करने के लिए एक वैरायटी अच्छी मिल रही है जिसमें मिनिमम ऑर्डर क्वान्टिटी भी नहीं है और ऑल ओवर इंडिया की वैरायटी आपको एक ही जगह पे मिल रही है, ये सबसे बड़ी बात। हाँ, हर तरीके का माल, हर तरीके के डिज़ाइन यू गेट टू सी ओवर देयर एट होलसेल, बेस्ट होलसेल, जेन्युइन होलसेल प्राइसेस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी। तो आप करिए सर, ये जो ऑप्शन आप प्रोवाइड करवा रहे हैं इसके लिए मैं आपको रियली थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी 2000 रुपये बहुत छोटा अमाउंट है और 2000 रुपये में अगर कोई बहुत सारी वैरायटीज खरीद सकता है और बिजनेस शुरू कर सकता है तो ये एक घर पे बैठी वुमेन के लिए बहुत बड़ी बात है, इसके लिए हम आपको बाय हार्ट थैंक्स बोलना चाहेंगे, रियली थैंक्स। और जैसा कि सर ने बताया है कि ई इंडिया होलसेल इन्होंने जो वेबसाइट शुरू की है वहाँ से कोई भी 2000 रुपये में ऑर्डर कर सकता है और ज़्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है, क्वांटिटी इज़ नॉट एन इशू, यहाँ पे सिर्फ आपको 2000 रुपये का एक जो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू है उसको फुलफिल करना है, आप डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स परचेज करके और शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट।